हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। थैंक यू सो मच बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बताते हैं कि जो रीडिंग है वो आप लोगों के साथ मैच खा रहा है। तो आज भी हम लोग जो रीडिंग था कल का वही कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग अर्थ साइन जो है उसका चेक करेंगे कि करियर और लव, एंड दिस विल बी फॉर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ओके, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वर्गो यानी कन्या राशि, एंड कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। ओके, सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अर्थ साइंस के लिए हम लोग अभी एक रीडिंग करेंगे और देखेंगे आप लोगों का करियर और लव। करियर जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब करते हैं और जो बिजनेस में हैं, उन तीनों के लिए रेजोनेट कर सकता है। और लव सिचुएशन इज़ ओनली फॉर दोज जो एक रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड है। ओके, सो लेट्स सी। आज थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बट रीडिंग कंप्लीट करना ज़रूरी था, बाकी लोग वेट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी करियर वाइज क्या आने वाला है। फॉर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, प्लीज कार्ड शफल के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा। लेट्स सी। ओके, ओके, फॉर टॉरस, फॉर वर्गो एंड फॉर कैप्रिकॉन। ओके, ये मैं कैरियर का देख रहा हूँ। बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ कप्स। ओके, सो बेसिकली जो मैं देख रहा हूँ कि अगर आप लोग पार्टनरशिप पे फोकस करते हो तो बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप एज इन जो लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ पे हो सकता है कि ऑपोजिट सेक्स किसी से आपको फ़ायदा मिल सकता है, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो शायद आपका जो स्पाउस है या वाइफ है या हस्बैंड है उनसे आपको कुछ हेल्प डेफिनेटली मिल सकता है। ओके, कोई भी करियर रिलेटेड कुछ टिप्स अगर वो दे रहे हैं तो उनका बात आपको सुनना चाहिए। एंड इन केस अगर ऑफिस का है तो ऑफिस में हो सकता है कोई आपका कोवर्कर है जो कि ऑपोजिट सेक्स का है, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका दोस्त कोई हो सकता है जिसका अगर कुछ टिप्स या कुछ अगर एडवाइस वो लोग दे रहे हैं, अगर आप वो सुनते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इवन फॉर बिजनेस आल्सो, इफ़ यू आर डूइंग एनी पार्टनरशिप में अगर कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये ओवरऑल तीनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन तीनों के लिए ये रेजोनेट कर सकता है। ओके, सो लेट्स सी। फॉर टॉरस द हैंगमैन, चाहे करियर वाइज कुछ भी डिसीजन अगर आप लेना चाहते हो तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि हर तरफ से, हर एंगल से, हर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को सोच के समझ के तो ही आप डिसीजन लीजिएगा। अगर आप जॉब में भी कुछ काम कर रहे हो या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट का अच्छी तरह से नॉलेज आपको होना चाहिए। स्टडी का भी वही है, स्टूडेंट्स का भी वही है, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका भी वही है। जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो अच्छी तरह से हर सिचुएशन को समझ के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हड़बड़ी में कोई काम मत कीजिएगा। ओके, फॉर वर्गो यानी कन्या राशि, व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपका किस्मत का पहिया जो है वो चेंज होने वाला है। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा कुछ गुड न्यूज़ आने वाला है। ओके, जो लोग जॉब करते हैं, देर इज़ अ ह्यूज चांस ऑफ प्रमोशन और ह्यूज चांस ऑफ सैलरी हाइक। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपका अगर रिजल्ट आने वाला है तो बहुत अच्छा होगा, या फिर जॉब इंटरव्यू अगर दिया है तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है। फॉर बिजनेस पीपल ऑल्सो, इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका जो आउटकम है बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मतलब इन ऑल पर्सपेक्टिव आई थिंक बहुत 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 अच्छा है फॉर वर्गोस। ओके, एंड फॉर कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा सा अभी आप ऑफ कोल्ड एंड डिटैच ही रहेंगे। हो सकता है कि आपका जो ऑफिस है ऑफिस में आप थोड़ा सा
अभी चुपचाप काम कर रहे हो, सिर्फ ऑफिस में जाते हो, काम करते हो, आ जाते हो, तो इस तरह का एक सिचुएशन हो सकता है। थोड़ा सा रूड, थोड़ा सा मतलब चुपचाप रहना, इस तरह का अभी रह सकता है। और अगर प्रॉपरली आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो फिर अगर वो इन्फॉर्मेशन कोई आपको देने वाला है और अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो आपका थोड़ा सा टेम्परमेंट इशू हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी वही है, शायद हो सकता है पेरेंट्स के ऊपर बहुत चिल्ला मिल्ली करे, बट ऐसा मत कीजिए। अगर कोई आपको कुछ गाइडेंस या एडवाइस दे रहा है, ऑपोजिट सेक्स का मम्मी भी हो सकती है, हाँ स्पाउस भी हो सकता है, मम्मी भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या फिर ब्रदर भी हो सकता है, फादर भी हो सकते हैं, और हस्बैंड भी हो सकता है, कोई भी दोस्त भी हो सकता है, नॉर्मल दोस्त भी हो सकता है, कोई भी अगर कुछ आपको टिप्स दे रहे हैं, तीनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो वो फॉलो कीजिए। ओके ओके सो लेट्स सी फॉर लेट्स स्टार्ट द लव रीडिंग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तीनों का लव सिचुएशन क्या होने वाला है, ये उन्हीं लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है जो एक रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड है। ओके सो लेट्स सी व्हाट इज द करेंट सिचुएशन। ओके प्लीज कनेक्ट कीजिए कार्ड शफल के साथ खुद को। ओके ओके टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो आई थिंक फॉर ये बहुत ही मतलब ये प्रोमिनेंटली दिख भी रहा है, मैं दिखा देता हूँ कार्ड के हिसाब से, ये बहुत ही प्रोमिनेंटली ये तीनों कार्ड से हम लोगों को दिख भी रहा है। जो है बेसिकली आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, या ऐसा हो सकता है यू आर ब्लॉकिंग पीपल, यू आर ब्लॉकिंग योर स्पाउस। ओके या फिर यू आर ब्लॉकिंग योर पार्टनर, लव पार्टनर जो भी है। आई थिंक कुछ सिचुएशन बहुत ही कुछ अच्छा अभी नहीं है तीनों के लिए ही, तो इसी वजह से हो सकता है कि आप अपने लिए स्टैंड लेंगे और बाकियों को एक एक तरह से आप ब्लॉक कर दोगे ताकि वो आपको बॉदर ना करे। और दोस्त जो आपको इमोशनली, रोमांटिकली अगर आपको सर्व नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, तो देर इज़ अ चांस ऑफ उनसे थोड़ा दूर रहने का। ओके या खुद को थोड़ा अकेले अकेले रहना या आइसोलेट करना, इस तरह का कुछ एक सिचुएशन है, या हो सकता है कि झगड़ा हुआ है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ओके सो लेट्स सी फॉर टॉरस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन इसके साथ ये को रिलेटेड है कि आप अभी पूरी तरह से लव वाला इमोशनल इमोशन से थोड़ा सा हटके सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ फीलिंग, और थोड़ा सा मनी, जॉब, करियर, इन सब चीज़ों में आप ज़्यादा फोकस करेंगे, फाइनेंस में ज़्यादा फोकस करेंगे, प्यार में नहीं। ओके तो इस वजह से शायद कुछ इशू हुआ है और इस वजह से शायद आप दोनों में कुछ झमेला या प्रॉब्लम हो रहा है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है। ओके फॉर वर्गोज, जो रिलेशनशिप है वो आई थिंक ख़त्म हो चुका है, आपने एक तरह से अपने पार्टनर को ब्लॉक भी कर दिया है और पूरी तरह से ये रिश्ता आई थिंक आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है। अगर मैरिड है तो डिवोर्स का चांसेस है, या फिर बहुत ही कम परसेंट लोगों के लिए, आई एम रियली सॉरी आई एम सेइंग दिस, कि कुछ हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं है। मैं और इससे खराब वर्ड कुछ यूज करना नहीं चाहता, बट ठीक नहीं है अभी। ओके मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ओके पर अच्छा नहीं है सिचुएशन वर्गोस स्पेसिफिकली, इट्स नॉट अ गुड एनर्जी राइट नाउ। फॉर केप्रिकॉन ऑल्सो सेम थिंग्स, आई थिंक सिचुएशन अच्छा नहीं, तो लव रीडिंग बहुत ही नेगेटिव रहा आप तीनों के लिए। अर्थ साइंस, आई थिंक आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। मैं केप्रिकॉन का थोड़ा बोल देता हूँ, केप्रिकॉन्स आई थिंक यू आर अनेबल टू स्लीप एट नाइट, रात को नींद नहीं आ रहा है, डिप्रेशन हो सकता है, टेंशन हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, इस वजह से शायद बहुत रोना धोना भी चल रहा है पार्टनर्स के साथ, और
अभी सिचुएशन सही नहीं है, दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हैं, या ब्रेकअप हो चुका है, या कुछ भी हो सकता है, डिवोर्स हुआ है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इट्स वेरी वेरी नेगेटिव फ्रॉम लव पॉइंट ऑफ व्यू, बट करियर वाइज इट वॉज गुड. ओके सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लेट्स सी व्हाट गाइडेंस यूनिवर्स वॉन्ट्स टू गिव. क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए? आई एम रियली सॉरी. स्पेसिफिकली वर्गोज, आपका जो लव सिचुएशन है अच्छा नहीं है, प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहिए या ध्यान रखिए अपना. ओके द गाइडेंस इज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक अगेन टू ऑफ कप्स. ओके सो जो भी सिचुएशन है, जो भी अभी चल रहा है आप दोनों के बीच में, अगर वो सिचुएशन जो कि दिख रहा है पार्टनरशिप की वजह से है, या प्यार, अगर प्यार में आप लोग हैं और कुछ प्रॉब्लम या कुछ भी सिचुएशन ख़राब चल रहा है, तो प्लीज़ हील योर सेल्फ फर्स्ट. ओके आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेस्ट, हीलिंग का दरकार है. हो सकता है कि दूसरे एक दूसरे से अभी थोड़ा सा अगर आप एक दूसरे को स्पेस दें तो बहुत अच्छा रहेगा, और खुद को हील कीजिए. ओके खुद को हील कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा आप एक स्टेबल स्टेटस में आ सके. फॉर जॉब एंड फॉर लव सिचुएशन दोनों के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, अगर वक्त लेना चाहते हैं तो प्लीज़ वक्त लीजिए, अगर स्पेस लेना चाहते हैं तो प्लीज़ स्पेस लीजिए. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. अभी एनर्जी थोड़ा सा डाउन है, तो आप लोग अगर वक्त लेंगे तो सही रहेगा. ओके हील कीजिए अपने आप को, रिलैक्स थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए एंड हील कीजिए. ओके थोड़ा काम डाउन होना ज़रूरी है. ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्पेसिफिकली फॉर दोज लव सिचुएशन, प्लीज़ प्लीज़ आप केयरफुल रहिएगा. ओके